कल जिस तरह से उनका दाह संस्कार हुआ, हजारों की संख्या में लोगों की आंखें नम हुई, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अटल जी का जो स्नेह था, जो वात्सल्य था, जो अपनापन था, उसने लोगों को रुला दिया। वो ऐसे संरक्षक के रूप में थे। हम लोग ऐसी पार्टी से के कार्यकर्ता हैं जिसमें हमारे लिए कोई नेता नहीं होता, हमारे लिए परिवार का, जिस प्रकार से एक परिवार में घर में कोई पिता हो गए या बाबा हो गए, उस प्रकार से, जिसके कारण आज अक्रॉस पार्टी लाइन पूरा देश द्रवित है। उनके मन में जो अटल जी के प्रति श्रद्धा है, जो स्नेह है, वो कल लाखों की भीड़ के रूप में दिल्ली में भी दिखाई पड़ा और देश भर के अंतर्गत दिखाई पड़ा। सतीश जी, आप भी अरसों से राजनीति में हैं, आपने उनके कार्यकलापों को देखा है, कोई वाकया जो आपसे उनकी बातचीत हुई हो कानपुर में के दरमियान? मेरा अटल जी से बहुत नज़दीक का संबंध था। मैं अपने आप को इस नाते से बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। हम लोग 17-18 साल के थे 77-78 में, जिस समय इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने, तब से मुझे याद है अटल जी का साथ। हमने एक अटल जी के नाम पे अटल युवा संस्था बनाई थी, उसमें वो कानपुर आए थे। उनका मनोविनोदी स्वभाव एक मिनट में आकर्षित कर लेता था। लोकतंत्र में जब भी जाते थे, जैसे बाई इलेक्शंस हुए कानपुर में, वो जब भी आए प्रधानमंत्री बनने से पहले, क्यों, प्रधानमंत्री बनने के बाद NSG सुरक्षा हो जाती है, उसके पहले वो जब भी कानपुर आते थे, तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे को उनकी गाड़ी चलाकर, मतलब मेरी गाड़ी में लेकर आता था और मेरे को उनका ड्राइवर बनने का एक सौभाग्य में मैं गाड़ी चलाता था, वो आगे बैठते थे। तो कई ऐसे अवसर हैं जिसमें अटल जी का मेरा स्नेह था। उनसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली।